वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में ये है कि हमारे रूम में छुपली का बच्चा घुस आया है। अब उसकी कोशिश में ये देखें मोइस ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। अब बस मिल जाए। मिली? के नीचे क्या करते हैं? हो वो कलर हमने उसके ऊपर इतना स्प्रे किया उससे भी नहीं मरी। अभी ये दोबारा एक बार स्प्रे करते हैं। मिली नहीं रही इतनी के की है, चुपली ढूंढी है हमने। सरमारी खींचे भी चेक कर ली, बेड खींचे भी चेक कर ली। ये देख सकते कितना गंद वगैरह फैला हुआ है, नजर ही नहीं आ रही। इसको आज मार के छोड़ना है किसी तरह भी। बहुत तंग करती है बस इस इधर ही गई, बेड के नीचे और ये ड्रेसिंग अलमारी के नीचे ही है तो है इधर ही गई। इसको इतना स्प्रे किया मिली नहीं। कहाँ जा सकती है फिर ये छुपली? बस ये एक बार मिल जाए तो इसका किससे ही खत्म कर देना है। छुपली का बच्चा इतना सा सरफ, बस मिलता है तो मार के फिर आपसे मिलते हैं। हमारे कमरे से छुपली निकल आई थी। हमने पता क्या किया, मैंने लाइटें वगैरह सारी बंद कर दी। लाइटें वगैरह बंद करके कमरे का दरवाज़ा मैंने खोल दिया। तो एक घंटे के लिए कमरे से बाहर चले गया तो वो बाहर निकली भी छुपली। इससे हमारी आज ही बाहर निकल आई। हाँ कल ही हुई, कल रात को बाहर निकली थी। बाहर निकल आई और आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने कबूतर आज़ाद कर दिए हैं। उनको 14 अगस्त वाले दिन आज़ादी मिल गई थी, वो भी आज़ाद हो गए हैं। अब खाली पिंजरा है, उनकी बीठें, उनकी निशानियाँ। झंडा अभी तक लगा हुआ है, इसको हम लोग उतारेंगे, ज़रा कल उतारेंगे, कल परसों तक उतारेंगे इसको। इसे चेक करते हैं, अभी तक हमने इसे इतनी मजबूती से बांधा हुआ नहीं है। चल गया फिर इतनी देर, ये देखिए ऊपर से नहीं इतनी मजबूती से बांधा हुआ। कितना ऊंचा है, रस्सियाँ इसकी ढीली हैं। वो ये कितनी ये निकल ही आई रस्सी। ओहो ये वाला कहाँ से, ये वाली रस्सी वाला कहाँ से आई है? ये वाली, ये वो जो नहीं हम लोगों ने बांधी थी वो एंड पे, वो वहाँ से ये आ गई है निकल के। ये ढीली बांधी हुई थी इसी वजह से निकल के आ गई रस्सी। ओहो ये पता, ये मैंने तो अब देखी है। यहाँ सिर्फ दो रस्सियाँ बांधी हुई थी, एक ये वाइट वाली, एक ये ब्लू, और एक ये वाइट वाली और एक वो वाइट वाली, एक वो ब्लू वाली। उधर तीन बांधी हुई थी मजबूत कर, क्योंकि वो अलग ना हो जाए डंडा इसी वजह से। ये तो खुल की बाहर आ गई रस्सी, इसको खोल देते हैं फिर इसी को। इसको अब अगले साल के लिए संभालते हैं ज़रा। हम लोग ये बाकी रस्सियों के साथ ही रख देते हैं। सही लहरा रहा है झंडा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस साइड को गिर गया ये।
कबूतरों का भी ये पिंजरा भी हम लोग खाली करते हैं, इसको खाली खुली करके 2-3 दिन इसको धूप में रखेंगे, इसके जाड़ से मरे, फिर इसके अंदर कुछ और ला के रखेंगे। तो फिर हम लोग इस व्लॉग को यही करते हैं एंड। तो आप लोग इस व्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और तो और शेयर करिएगा। झंडा आज लग रहा है हमारा गिर जाना है, वो देख सकते हैं दूर से पता चल रहा है झंडा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलो खैर टाइप कर देते हैं, कल पोर्शन फिर तक पोर्शन उतारेंगे। चलिए इस व्लॉग को फिर यही एंड करता हूँ, बाय। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बाय।